नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। उल्लेखनीय है कि विगत काफी दिनों से एसटीएफ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को असम प्रांत से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध गांजा की तस्करी के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उक्त सूचना के विकसित करने हेतु एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला के पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय से उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी, मैं हमरा हेड कांस्टेबल चंद प्रकाश मिश्रा हेड कांस्टेबल परनाम सिंह हेड कांस्टेबल कविंद्र साहनी हेड कांस्टेबल कमांडो आफ्ताब चालक जैल यादव मुख्यालय से रवाना होकर जनपद बलिया के नगर कोतवाली एसएचओ प्रवीण कुमार सिंह में टीम के साथ समन्वय स्थापित कर थाना कोतवाली के अंतर्गत पता रसी सुराग रसी में मामूर थे की भ्रमण में पता रही की दौरान शीश महल टाकिज के पास मामूरा मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक टाटा मैजिक संख्या UP60AT8481 है, आसाम से चलकर अवैध गांजा लेकर आ रहा है और फेफना में किसी को देने वाला है, यदि जल्द किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम एसएचओ कोतवाली में फोर्सवा चौकी इंचार्ज चापालीनगंज वरुण कुमार राकेश में हमरा कांस्टेबल विक्रम सिंह कांस्टेबल उग्रसेन यादव द्वारा बैरिया की तरफ से आने वाले वाहनों के नंबर प्लेट पर टार्च रोशनी से चेकिंग की जाने लगी। कुछ ही देर बाद सीसमहर टाकिज पुलिस बूथ के पास बैरिया मार्ग से एक वाहन टाटा मैजिक आकर रुका, जिसका नंबर UP60AT8481 था। पुलिस पार्टी की मैजिक की तरफ बढ़ते ही चालक एक्सेलेटर दबाकर गाड़ी को भगाना चाहा, जिसे पुलिस बल द्वारा एक मत अमले से उक्त मैजिक को रोक लिया गया और उस पर बैठे दो अभियुक्त चंदन कुमार गुप्ता पुत्र गीलन ठठेरा निवासी महुआपार यंकिनगंज थाना पकड़ी बलिया व अच्छेलाल राजभर पुत्र सुदीन राजभर निवासी सिहोरिया थाना पकड़ी बलिया को गिरफ्तार किया गया। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में बेड व अलमीरा रखी गई थी, जिसके सिराने लॉक थे। जैसे चाबी बनाने वाले कारीगर को बुलाकर खोलवाया गया तो तलाशी ली गई तो बेड के सिराने और अलमीरा के रैक से 29 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन लगभग 2 क्विंटल 65 किलो 600 ग्राम पाया गया और अपराधियों को जेल भेजा गया। न्यूज 9 भारत के लिए कृपा शंकर दुबे की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।